नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा और आप देख रहे हैं आज तक। आज दिल्ली एनसीआर को सबसे बड़ा तोहफा मिला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया, उसके बाद ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे को भी लोगों को समर्पित कर दिया। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे उद्घाटन के मौके पर पीएम ने रोड शो भी किया और साथ ही साथ आपको हम बता दें कि आरक्षण का फायदा देने को लेकर जब बागपत पहुंचे ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करने के लिए, तो आपको बता दें कि कैराना में उपचुनाव होने हैं और बागपत से बिल्कुल लगा हुआ वो इलाका है। ऐसे में आरक्षण पर उन्होंने कई बातें कही। उन्होंने कहा अति पिछड़ों की मांग को यूपीए ने अनदेखा किया है, तो एक तीर से दो निशाने की बात यहां पर कोशिश की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक तरफ ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया, लोगों को पूरे देश को समर्पित किया ये एक्सप्रेसवे, दूसरी तरफ कांग्रेस को देश का विकास मजाक लगता है ये बातें कही उन्होंने। विपक्ष पर निशाना साधा, खास करके कांग्रेस पर, और उन्होंने कहा कि बागपत में ये बातें कही उन्होंने। उन्होंने कहा कि कांग्रेस कहीं ना कहीं इसके लिए जिम्मेदार है। आइए आपको हम सुनाते हैं क्या कुछ कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। ओबीसी कमीशन को संवैधानिक दर्जा तक देना चाहती थी और ओबीसी समाज की यह मांग पिछले 20-25 साल से चल रही थी, लेकिन यूपीए में बैठी हुई सरकार को इसकी परवाह नहीं थी। हमने उसके लिए कानून लाया, पार्लियामेंट में ओबीसी कमीशन को संविधान अधिकार मिले इसके लिए एक अहम कानून लाए, लेकिन कांग्रेस पार्टी के लोगों को ये गवारा नहीं था, उनके सहयोगी दलों का गवारा नहीं था और इसलिए वो रोड़ा बन करके खड़े हो गए और उस कानून को अभी तक लटकाए बैठे हैं। लेकिन मैं ओबीसी समाज को विश्वास दिलाता हूं, जो कदम उठाया है उससे मोदी पूरा करके रहने वाला। एमएसपी के नए नियमों के तहत किसानों से जितना माल खरीद सकते हैं खरीदने के लिए योजना बनाई है और भूतकाल के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। दोनों हमारे किसानों को समर्पित सरकारों को, दोनों मुख्यमंत्रियों को मैं बधाई देता हूं। खेत से निकलकर बाजार तक पहुंचने से पहले किसानों की उपज बर्बाद ना हो इसके लिए 6,000 करोड़ रुपए के निवेश वाली प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना पर काम किया जा रहा है। ये योजना पश्चिम यूपी के मेरे जो आलू पैदा करने वाले किसान है उनको सबसे ज्यादा मदद करने की ताकत रखती है। पीढ़ी दर पीढ़ी परिवार में सत्ता देखने के आदि ये लोग गरीब के लिए किए जा रहे हर काम को मजाक समझते हैं, कैबिनेट के दस्तावेज को फाड़कर फेंकने वाले लोग संसद में पास, सर्वसम्मति से पास कानून की इज्जत भी करना उचित नहीं मानते हैं। आज देश के लोग देख रहे हैं कि अपने सियासी फायदे के लिए ये लोग सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर भी खुलेआम झूठ बोलने की हिम्मत करते हैं। बढ़ेंगे आगे। आज दिल्ली एनसीआर को सबसे बड़ा तोहफा मिला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया, इसके बाद ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे को भी लोगों को समर्पित कर दिया। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे उद्घाटन के मौके पर पीएम ने रोड शो भी किया। NH24 पर प्रधानमंत्री मोदी का काफिला निकला तो लोगों में गजब का उत्साह था, उमंग था, खुशी थी कि उन्हें तोहफे के रूप में मिल रहा है 6 लेन का दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे। पीएम मोदी का काफिला दिल्ली के मिलेनियम पार्क से यूपी की ओर बढ़ा। गाड़ियों की धीमी रफ्तार थी, प्रधानमंत्री मोदी अपनी गाड़ी में सवार होकर आगे बढ़ते जा रहे थे। एक्सप्रेसवे पर उनके स्वागत के लिए लोगों की भीड़ बेसब्री से इंतजार कर रही थी। यहाँ पे आप
देखिए तो प्रधानमंत्री जब हाथ हिलाए हैं तो वहाँ पे मोदी 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 के जो नारे हैं वो नारे आपको सुनाई देंगे और हम लोग को भी साथ में हम लोग चलते रहेंगे ताकि आपको सारी तस्वीरें मिलती रहे। यहाँ पे देखिए सारे कार्यकर्ता जो आए हुए थे सुबह से, गर्मी में बहुत गर्मी हो रही है यहाँ पे, तपती गर्मी में खड़े हैं, चेहरे पर मुस्कान है, अपने प्रधानमंत्री अपने नेता को देख के गदगद है। कई बार तो ऐसा मौका आया जब पीएम मोदी लोगों के बिल्कुल करीब पहुंचे, प्रधानमंत्री उनके पास जाकर अभिवादन करते रहे, लोग मोदी मोदी के नारे लगाते रहे। मिलेनियम पार्क से निकला काफिला चंद मिनटों में अक्षरधाम पहुंचा। यमुना नदी को पार करते मोदी जब अक्षरधाम पहुंचे तो वहां पर भी उसी अंदाज में लोगों का अभिवादन किया। दिल्ली को एक्सप्रेसवे का तोहफा मिल रहा था, लिहाजा लोगों की खुशी का ठिकाना नहीं था। अक्षरधाम के बाद पीएम का काफिला चंद मिनट में पटपड़गंज जा पहुंचा। पीएम के रोड शो को देखने के लिए वहां बड़ी संख्या में लोग इंतजार कर रहे थे। जैसे ही पीएम उनके करीब पहुंचे, हर कोई एक अदद तस्वीर अपने कैमरे में कैद कर लेना चाहता था। अभी अभी यहीं से गए हैं और लोगों को अभिवादन करते हुए गए। हमें उनको देख के बहुत अच्छा लगा, हमें खुशी है। दिल्ली के चारों तरफ NCR और हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए जो सुविधा प्रदान की है आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने, उसके लिए हम साधुवाद व्यक्त करते हैं। हमें बहुत अच्छा लग रहा है। पटपड़गंज से पीएम मोदी अक्षरधाम लौट गए, फिर हेलीकॉप्टर के जरिए सोनीपत के कुंडली पहुंचे। वहां हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने उनकी अगवानी की। कुंडली में पीएम मोदी ने ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे के निर्माण का 3D मॉडल देखा। उसके बाद वो बागपत के लिए रवाना हो गए। उन्होंने ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया। ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे दिल्ली के नजदीक हरियाणा के कुंडली को पलवल से जोड़ेगा। बहुत बड़ा दिवस है, दो बड़ी सड़क परियोजनाओं का आज लोकार्पण किया गया है। एक दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे का पहला चरण और दूसरा ईस्टर्न पेरिफेरी एक्सप्रेसवे। पीएम मोदी ने दिल्ली NCR को डबल तोहफा दिया, ऐसा तोहफा जिस पर न सिर्फ आप 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से फर्राटे भर सकते हैं, बल्कि बगैर दिल्ली में दाखिल हुए पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान और हिमाचल प्रदेश का सफर भी तय कर सकते हैं। ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे देश का पहला स्मार्ट और ग्रीन एक्सप्रेसवे है और कई खूबियों से लैस भी। उम्मीद है कि इस एक्सप्रेसवे पर सफर और सुकूनदायक हो जाएगा। बागपत से आनंद बनर्जी, सोनीपत से पवन राठी, दिल्ली से मौसमी सिंह और पूजा शाली के साथ रवीश पाल सिंह, आज तक ब्यूरो। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे के पहले फेज से दिल्ली से गाजियाबाद जाने वाले को काफी राहत मिली है। देखिए आज तक संवाददाता सईद अंसारी की रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से कुछ देर पहले यहां से, यानी कि दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे से गुजरे हैं। मुख्यतः आम तौर पर अगर आपको दिल्ली से मेरठ जाना होता है तो 3 से 3.5 घंटे लगते हैं, लेकिन पहले चरण का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है जो कि 9 किलोमीटर का है। और अब कहा यह जा रहा है कि मेरठ दिल्ली एक्सप्रेसवे से, दिल्ली से मेरठ की ये दूरी सिमट कर रह जाएगी 45 से 50 मिनट। तो आइए चलते हैं, आपको इसी सफर पर लिए चलते हैं। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर आपका स्वागत है। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर ये जो आप सोलर पैनल देख रहे हैं, ये एक नया प्रयोग है, यानी कि सोलर ऊर्जा का भरपूर इस्तेमाल किया गया है। और ऊपर जो आप बिजली के खंभे नज़र आ रहे हैं वो सोलर एनर्जी, यानी कि इसी सोलर ऊर्जा से चलेंगे। यमुना नदी पर यहाँ पर 2 ब्रिज भी बनाए गए हैं, 4 फ्लाईओवर हैं, 1 फ्लाईओवर से इस वक्त अभी हम गुजर रहे हैं, 4 अंडरपास हैं, 4 फुट ओवर ब्रिज हैं। विहंगम दृश्य है, बेहद खूबसूरत दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे। हम लगातार आगे बढ़ते जा रहे हैं
दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर, और मेरठ आपको देखिए जगह जगह साइन बोर्ड भी लगा दिए गए हैं, हालांकि ये सीधा रास्ता है लेकिन फिर भी इंडिकेटर्स लगा दिए गए हैं। 9 किलोमीटर का पहला चरण शुरू हुआ है आज, जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है, और इस 9 किलोमीटर के सफ़र को पहले पूरा करने में लगभग घंटे भर का वक्त लगता था, लेकिन अब ये सफ़र कहा जा रहा है कि मुश्किल से 9 मिनट में पूरा हो जाएगा। जम्मू कश्मीर के तंगधार में घुसपैठ की कोशिश में मारे गए 5 आतंकियों से भारी मात्रा में गोला बारूद बरामद किए गए हैं। सुरक्षा बलों ने आज मारे गए आतंकियों के पास से बरामद हथियारों और गोला बारूद मीडिया के सामने पेश किया। मारे गए आतंकियों के पास से AK-47 मैगजीन, वॉकी टॉकी, बैटरी, जिंदा कारतूस, वार कटर जैसे उपकरण बरामद किए गए। दूसरी ओर LOC के तंगधार में सुरक्षा बलों का ऑपरेशन आज भी जारी है। लेटेस्ट खबरों के लिए यू ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।